बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दिस इज़ मी हबीबा डार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आ गई हूँ जी आपसे किया हुआ वादा पूरा करने के लिए। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है जी एडवे कैश अकाउंट को क्रिएट करने का आसान और मुकम्मल तरीका। मुकम्मल तरीके से मुराद ये है कि सिर्फ हमने अकाउंट नहीं बनाना बल्कि उसको वेरीफाई भी करना है, जो कि ज़रूरी है यहाँ से अर्निंग करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको एडवे कैश से अर्निंग करने का एक ऐसा मैथड बताऊँगी जो कि डायरेक्ट मैथड है, आसान है, आप उसको यूज़ करके लाइफ टाइम अर्निंग कर सकते हैं। काम आपने एक दो दफ़ा करना है लेकिन अर्निंग आपकी लाइफ टाइम हो सकती है। तो लिहाजा अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन फील्ड से अर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपको मैं यही सुझाव करूंगी कि अगर आपने एडवे कैश का नाम फर्स्ट टाइम सुना है तो आप इस पे अकाउंट लाजमी बना लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको इससे अर्निंग के और भी मजीद मेथड्स मिलने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एक दो मेथड शेयर किया हुआ है, मतलब कि ये एप्लीकेशन ऐसी है जहां से आप डेली बेस के $5-10 अर्निंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जाके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें देखते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका, वेरीफाई करने का तरीका, अर्निंग का मेथड, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। वही क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में पूछने वाले हैं, जहां से आपको समझ ना लगे आप कमेंट करें। वीडियो में स्पीड ज्यादा है, कम है या फिर ठीक है, आप इसके बारे में भी राय लास्ट में दें, क्योंकि अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप बहुत फास्ट बोलती हैं, समझ नहीं आती। तो मुझे भी समझ नहीं आती, कोई बंदा कह रहा होता है कि स्पीड ज्यादा है, कोई कह रहा होता है कम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मेजोरिटी का जो भी राय होगी उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को मेरी समझ आ रही है, कितने लोगों को मेरी स्पीड फास्ट लग रही है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। तो बाकी अगर आपको ऑनलाइन फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं इस चैनल से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और इसके साथ साथ जहाँ पे आप अटके हुए हों जो आपके क्वेश्चंस हो उनको क्लियर भी कर देती हूँ मैक्सिमम। तो बाकी चलते हैं जी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने अपनी डिवाइस के क्रोम में आ जाना है या फिर गूगल में आ जाना है। यहाँ पे आके आपने इसी साइट को सर्च करके ओपन कर लेना है। अब साइट का नाम है जी edvecash.com। इसके अलावा जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे आपको यहाँ पे मोर वाला बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखें टॉप के ऊपर ही आपको नजर आ रहा है जी ऐप लिंक, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्ट इसी पेज के ऊपर भी जा सकते हैं जो कि अभी मेरे सामने ओपन हुआ है। हमारे सामने ये वाला पेज आ चुका है जी, जिसमें नीचे ऑप्शन नजर आ रहा है जी क्रिएट फ्री अकाउंट नो, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल आउट करना होगा। यहाँ पे देखें जी कैप्चा फिल आउट कर लिया, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है जी, पर्सनल वाला और बिजनेस वाला, आपने पर्सनल में ही रहना है। अब यहाँ पे आपने इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहले नंबर पर आपने फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर आपने यहाँ पे ईमेल डालनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड रखना है, ईमेल वाला नहीं नए वाला पासवर्ड रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इस लाख को यहाँ से उठा के इस साइड पे ले जाना है और उसके बाद आपने ये दोनों चेक लगा के रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो मसला आने वाला है आपको पासवर्ड में आने वाला है। पासवर्ड आपने इस तरह से रखना है कि उसमें इंग्लिश के लेटर्स भी हों, स्मॉल भी, बड़े भी, और उसके बाद नंबर्स भी हों, इसके अलावा स्पेशल करेक्टर भी हों, जैसा कि स्टार हो गया, डॉलर का निशान हो गया, परसेंटेज वाला हो गया। हमारा फॉर्म कम्प्लीट हो चुका है, उसके बाद हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपको कह रहा है जी आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आया है, लिंक आया है, आपने उस पे क्लिक करना है और अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। फौरन से हमें एडवे कैश की तरफ से टॉप पे ईमेल रिसीव हो चुकी है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको लिंक नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा वेरीफाई। अब यहाँ पे देखें जी हमारी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है, वो कह रहा है कि अपने अकाउंट को दोबारा से लॉग इन करें, मतलब कि ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपने दोबारा से इसी पेज पे आ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको कर लेना यहाँ से रिफ्रेश। यहाँ पे देखें जी आपने रिफ्रेश किया और आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होके आ गया, अदरवाइज आपने इसको खुद लॉगिन कर लेना है उसी ईमेल और उसी पासवर्ड के साथ जो कि अभी आपने रखा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने अगर इसके एडवांस फीचर गेन करने हैं, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है, अर्निंग करनी है, तो फिर आपको इसको वेरीफाई करना होगा। तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है जी गेट एक्सेस वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं वेरिफिकेशन करने जा रही हूँ जो कि ज़रूरी है यहाँ से अर्निंग करने के लिए। अब वेरिफिकेशन में यहाँ पे दो स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और उसको सेव करना है। पहले नंबर पे यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है,
जो भी आपका कंट्री है, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर डालना है स्टार्ट वाला 0 छोड़ के। यहाँ पे देखें जी, मैं फोन नंबर डाल चुकी हूँ, ये वही नंबर है जो मेरी टीम का नंबर है। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जी ऑलमोस्ट 15 फेब से यूट्यूब SEO कोर्स। अगर आप उसमें इनरोल करना चाह रहे हैं, आप इस नंबर पर रब्ता करके इनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट बैच के लिए डिस्काउंट भी होगा, व्हाट्सअप सपोर्ट भी होगी, इसके साथ साथ लाइव क्लासेस भी होंगी जिसमें आपको प्रॉपर यूट्यूब SEO कोर्स सिखाया जाएगा और इसके साथ साथ आपको वहां से अर्निंग का तरीका भी बताया जाएगा। अगर आपको लगे कि हमें कोर्स करने का कोई फायदा नहीं हुआ तो आप दावा करके अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि आप इंशाल्लाह इस कोर्स को सीखने के बाद मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होंगे और दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी अपनी टीम का नंबर जिसपे आप रब्ता करके यूट्यूब SEO कोर्स के बैच 1 में इनरोल हो सकते हैं। सेव के ऊपर हमने कर लिया जी क्लिक। यहाँ पे देखिए जी हमारा फोन नंबर ऐड हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है जी वेरिफिकेशन का, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी पासवर्ड या फिर आईडी वाला फोन नंबर के सामने, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नंबर पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी मेरा सिलेक्ट है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जी कंटिन्यू वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा जी आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं या फिर कहीं और। अगर आप यूनाइटेड स्टेट में है तो आपने फर्स्ट वाला चेक ऑन करना है, अदरवाइज आपने अदर के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो कह रहा जी आपने अपने फेस की वेरिफिकेशन करनी है, मतलब कि आपने यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक करना है। आपके सामने आपका कैमरा आएगा, उसमें आपने अपना फेस जो है वो सर्कल में घुमाना है। ये आपकी अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए है ताकि कोई भी बंदा आपके अकाउंट से पैसे आपकी इजाजत के बगैर ना निकाल सके। आई एम रेडी के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें जी आपके सामने थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद कैमरा आ जाएगा, आपने यहाँ पे कैमरे के सामने अपना फेस करना है। यहाँ पे हमें कह रहा है हमने वहां पे अपना कैमरा रखना है। अब ये देखें इसने इसको पिक कर लिया, उसके बाद ये कह रहा है कि इसको सर्कुलर मोशन में मूव करें। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल इसी तरह से इसको मूव करूंगी अपने फेस को जिस तरह से ये कह रहा है। आपने इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करना है ताकि आपकी वेरिफिकेशन सही तरीके से हो। ये देखें जी हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि इसने हमारा मुकम्मल तौर पे फेस पिक कर लिया है, प्रोसेसिंग होगी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको एक दफा और दोबारा से अपना फेस स्कैन करना होगा, तो यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक करके दोबारा से हम स्कैन कर लेंगे। अब कुछ बंदों का कैमरा ओपन नहीं हो रहा होगा, उन्होंने क्या करना है जी ऊपर आपको यहाँ पे बार नजर आ रहा है जी, इसमें आपको जो यहाँ पे दो लाइनें नजर आ रही हैं आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है जी परमिशन वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे कैमरे वाला जो बटन है ना वो ऑफ होगा, आपने उसको ऑन करना है और उसके बाद आपने वापस दोबारा से ट्राई करनी है, फिर आपके सामने कैमरा ऑन हो जाएगा आपकी डिवाइस के अंदर। आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करके दोबारा से फेस वेरिफिकेशन कर लेंगे। अगर आपकी फर्स्ट टाइम सही तरीके से हो जाएगी तो फिर दोबारा से ये आपसे नहीं मांगेगा, अगर मांग लेता तो आपने इसको लाजमी से करना है। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप आ रहा है जिसमें फर्स्ट नंबर पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ये आपसे कह रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। आप डॉक्यूमेंट के यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप पासवर्ड से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आईडी कार्ड से भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान मेथड है जी आईडी कार्ड वाला। अगर आपका अपना आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने फादर मदर का आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए फेस भी उन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि फेस अपना लगा रहे हो और आईडी कार्ड आप अपने फादर का या फिर किसी और पर्सन का यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने आईडी कार्ड किस तरह से डालना है जो एक्सेप्टेबल है। सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है। मतलब कि आपका जो आईडी कार्ड है वो क्लियर होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए और उसके चारों कॉर्नर नजर आने चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ऐसे साइड पे आपका आईडी कार्ड आ रहा हो। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपने अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फ्रंट साइड डालनी है, यहाँ पे आपने बैक साइड डालनी है अपने आईडी कार्ड की, अपने या फिर कोई भी बंदा जिसका आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखें जी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है जो कि आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो अर्निंग का एक डायरेक्ट मेथड है जिससे आप फायदा ले सकते हैं, आपको टॉप पे यहाँ पे बटन नजर आ रहा है जी रेफरल प्रोग्राम वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये लिंक प्रोवाइड करेगा जो कि आपका रेफरल लिंक होगा। आप इसको शेयर कर सकते हैं जी किसी के भी साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई भी बंदा जो आपके इस लिंक से अकाउंट बनाता है इस एप्लीकेशन के ऊपर आके, तो उसकी अर्निंग का 20% आपको मिलता है।
सिंपल बात करूं, अगर कोई बंदा $100 कमा रहा है तो उसमें से $20 आपको भी मिलेंगे, $100 उस बंदे को भी जाएंगे। आप इस ऑप्शन को यूज करके यहां से डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हैं। मजीद इनडायरेक्ट मेथड आने वाली वीडियोस में आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी ये है जी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूं कि आपका एडवे कैश का अकाउंट क्रिएट हो चुका होगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आपने कमेंट सेक्शन में डन लिख देना है। अगर क्रिएट नहीं हुआ, जहां पे प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।